दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम आवास योजना के बारे में कि किस प्रकार से गरीबों को घर दिए जा रहे हैं, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, वीडियो को पूरा देखें पूरी जानकारी देंगे। 3 करोड़ नए घर सरकार अभी बनाएगी, मोदी सरकार ने ऐलान किया है और ये घर पीएम आवास योजना के तहत बनने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में 4 करोड़ 21 लाख घर बनाए गए थे जो गरीबों में बांटे गए थे, जो बेघर थे। तो मोदी सरकार ने अब गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर और बनाने की घोषणा की है। वहीं कांग्रेस ने भी घोषणा की है इलेक्शन के दौरान गांव में 100 गज की जमीन घर बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए देगी। कांग्रेस सरकार अगर उनकी सरकार आती है, अभी जो इलेक्शन हो रहा 2024 का, हरियाणा जम्मू हो गया इन जगह पे, जहाँ भी उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार दिल्ली में आएगी तो ये अपना घोषणा पत्र जो जारी किया है उसे पूरा करेंगे। वहीं बात करें मोदी सरकार ने भी घोषणा की है कि पहले 1,20,000 और 1,30,000 घर बनाने के लिए ग्रामीण या पहाड़ी क्षेत्र में दिए जाते थे, तो उन्हें मोदी सरकार 5 लाख रुपये तक की सहायता देने जा रही है इलेक्शन के बाद में। तो मोदी सरकार ने घोषणा कर दी है और जो 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं जिनके वो घर मिलेंगे जिनको जिनके पास अपना घर नहीं है, खुद का टूटे फूटे घर में रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं या किराए पे रहते हैं, वो गरीब परिवार जिनके पास बीपीएल राशन कार्ड और जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, जिनकी आय 1,80,000 से कम है, उनको ये घर मिलने वाले हैं। तो इसमें बता दें कि अगर आप पीएम आवास योजना के तहत, इसमें आपको 12,000 रुपये फ्री शौचालय के लिए भी मिलते हैं, फ्री योजना है ये भी, अगर आपके घर में लैट्रिन बाथरूम नहीं है तो 12,000 रुपये की सहायता आपको ये भी मिलेगी, और आपका घर टूटा फूटा है तो पीएम आवास योजना के तहत आप मरम्मत कराने के लिए 80,000 रुपये की सहायता पीएम आवास योजना से ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि अब घर के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं। जो 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं वो सिर्फ गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं और उनमें बांटे जाएंगे, मोदी सरकार ने घोषणा की थी ये पीछे भी। लेकिन देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ये घर मिलेंगे या किस तरह से मिलेंगे, लेकिन घोषणाएं तो होती रहती हैं। तो काफ़ी भाई कमेंट भी कर सकते हैं कि कुछ नहीं मिलने वाला, ये नहीं होने वाला, तो एक बार जो भी गरीब भाई बहन है वो अपना एक बार आवेदन ज़रूर कर दें, क्योंकि इसमें किसी को भी ये घर मिल सकते हैं। और जो घर से वंचित रहेंगे तो मोदी सरकार ने घोषणा की है कि उन्हें 5 लाख रुपये तक की सहायता मोदी सरकार पीएम आवास योजना के तहत देगी, ताकि वो अपना पक्का घर बना सके ग्रामीण क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र में। और शहरों में ये गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता मोदी सरकार देगी। तो इसके लिए आप जो 3 करोड़ नए घर बनाए जा रहे हैं उनके लिए कोई भी आवेदन कर सकता है जो इसका पात्र है, उसमें जो इसकी मतलब जो आवेदन करेगा वो पात्र होना चाहिए, उसमें घर में सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, उसकी आर्थिक जो आय है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए और बीपीएल राशन कार्ड धारक होना चाहिए और खुद का पक्का मकान नहीं होना चाहिए। झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनको ये मकान मिलेंगे, जो कच्चे घर में रहते हैं उनको मकान मिलेंगे, किराए पर रहते हैं उनको मकान मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स उनके सभी पूरे होने चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ में फ़ोटो लगाने पड़ेंगे आपको। तो आप कॉमन सेंटर में जाके भी इसे ऑफलाइन आवेदन करवा सकते हैं और ऑनलाइन भी आप खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको जानकारी है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो में कि हमने जो जानकारी दी है आप उसे संतुष्ट हैं या नहीं, अगर आप पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कैसे आवेदन करना है, तो आप कमेंट कीजिए, शायद हम आपकी कुछ हेल्प कर सकें आपको कमेंट के माध्यम से, या नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बना देंगे कि आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको ये घर चाहिए तो आप पीएम आवास योजना में आवेदन कर दें, दिसंबर के बाद में कभी भी घर मिलने स्टार्ट हो सकते हैं। मोदी सरकार ने घोषणा की है कि ये जो 3 करोड़ घर बनाए जा रहे हैं दिसंबर तक इन्हें क्लियर करो, शायद दिसंबर तक हमें लगता नहीं क्लियर होंगे, लेकिन इलेक्शन को देखते हुए शायद ये घोषणा मोदी सरकार ने की है, क्योंकि फिलहाल इलेक्शन का टाइम है और कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएँ की जा रही हैं, जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री करने की कर दी, महिलाओं को 2100 रुपये देने की घोषणा कर दी, तो इस प्रकार की घोषणाएँ चल रही हैं साथियों।